90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था ABCL। इस कंपनी ने फिल्म बनाने का ऐलान किया। कहा गया कि देश भर से युवाओं को सिलेक्ट करके ये कंपनी फिल्म में काम करने का मौका देगी। बड़े बड़े अखबारों में इसके विज्ञापन किए गए। इस टैलेंट हंट शो के लिए एक फॉर्म भी भरना था और 500 रुपए की फी भी चुकानी थी। ये रकम उस समय के लिहाज से काफी ज्यादा बड़ी थी। अमिताभ बच्चन के नाम पर देश के युवाओं ने फॉर्म भरना शुरू किया और लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। एक दिन अचानक ABCL कंपनी ने फिल्म की घोषणा कर दी। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने और इसमें टैलेंट हंट शो के माध्यम से उन्होंने 4 आर्टिस्टों का सिलेक्शन कर लिया। अरशद वारसी, चंद्रचूर सिंह, प्रिया गिल और सिमरन को सिलेक्ट कर लिया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। फॉर्म भरने वाले लाखों नौजवानों को ये उम्मीद थी कि उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा, लेकिन किसी को ऑडिशन के लिए बुलाया ही नहीं गया। इस तरह लाखों नौजवानों के सपने भी डूब गए फॉर्म के साथ साथ, और साथ ही आगे चलकर ABCL कंपनी भी डूब गई। खैर, अरशद वारसी, चंद्रचूर सिंह, प्रिया गिल और सिमरन को लेकर तेरे मेरे सपने फिल्म बनी और जब दर्शकों ने इस फिल्म को देखा तो काफी ज्यादा पसंद भी किया। इस फिल्म में एक चेहरा ऐसा भी था जिसकी सादगी भरी खूबसूरती हर किसी के मन में बस गई। वो अभिनेत्री थी प्रिया गिल। अगर आपको प्रिया गिल ना याद हो तो सिर्फ तुम फिल्म वाली आरती तो जरूर याद होंगी। इस फिल्म में प्रिया गिल के सिंपलिसिटी वाले इस किरदार ने लोगों को इस कदर दीवाना बनाया कि मानो लोग उनके अक्स से प्यार कर बैठे। उस दौर में इस फिल्म के लिए लोगों की दीवानगी देखते ही बनती थी। फिल्म के गाने और फिल्म में प्रिया गिल का अभिनय इतना शानदार था कि जिसकी दीवानगी लोगों के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए बस गई। ये फिल्म अपनी स्टोरी और स्टार कास्ट के अलावा जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस हुई वो थे इसके गाने। चौक चौराहे, गली गुमटी, हर जगह इस फिल्म के गाने बजते दिखाई देते थे। सिर्फ तुम फिल्म में प्रिया गिल के अद्भुत और सीधे साधे किरदार के बावजूद भी प्रिया गिल के करियर पर आखिर क्यों लग गया ब्रेक, ये सवाल आज भी बना हुआ है। बॉलीवुड के दबंग खान और किंग खान के साथ काम कर चुकी प्रिया गिल और साथ ही साथ 1995 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की फाइनलिस्ट रही प्रिया गिल की कहानी अपने आप में बड़ी लाजवाब है। दर्शकों की चहेती रही प्रिया गिल किस तरह बॉलीवुड से बाहर हो गईं। उनका बॉलीवुड में ना कोई जान पहचान वाला था और ना ही उनका कोई गॉडफादर था। प्रिया गिल ने वो सब कुछ नकार दिया जिसमें हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अक्सर आगे रहते हैं। ना तो वो बिना मतलब के बोल्ड सीन्स करने को राजी हुई और ना ही वो किसी लॉबी या गुट का हिस्सा बनकर चाटुकारिता करने में विश्वास करती थी। वो तो खुद अपनी शर्तों पर सादगी, शराफत और खुद को सुकून देने वाले रोल्स ही चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया ने उन्हें भुला दिया और उन्होंने भी खुद को इस दलदल से बाहर निकाल लेना ही सही समझा। आज जहां एक्टर एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में हर कीमत पर बने रहना चाहते हैं, वहीं प्रिया गिल ने एक झटके में बॉलीवुड को छोड़ दिया और वो मिसाल कायम की जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज ठीक ठीक किसी को नहीं पता कि प्रिया गिल कहां गायब हो गई। आज की इस पेशकश में बताएंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रिया अक्सर प्रकट होकर किसी अप्सरा की तरह रहस्यमय तरीके से फिर से गायब हो जाती हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि गुमनाम होने के बाद भी आखिर क्यों गूगल सर्च की जाने वाली ये सबसे बड़ी हीरोइन है। इन तमाम बातों को जानने से पहले आइए ये बात जान लेते हैं कि प्रिया गिल फिल्मों में किस तरह आईं। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बचपन से ही उनकी खूबसूरती की काफी ज्यादा चर्चा होती थी। उनकी बैच की लड़कियां उन्हें अक्सर फिल्मों में जाने की सलाह दिया करती थीं। कॉलेज के दौरान प्रिया गिल ने मॉडलिंग और विज्ञापनों में हिस्सा लेना शुरू किया, साथ ही साथ वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया करती थीं। 1995 में प्रिया गिल मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड में पहुँचने में कामयाब रहीं। इसी दौरान उनकी एंगेजमेंट एक आर्मी ऑफिसर से हो गई, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके होने वाले पति की मौत हो गई। इसके बाद वो काफी समय तक सदमे में रही थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने खुद को संभाला और फिर से मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हुई। इसी दौरान प्रिया गिल को ABCL प्रोडक्शंस की तेरे मेरे सपने फिल्म के लिए एक टैलेंट हंट शो के दौरान सिलेक्ट कर लिया गया और 1996 में इस फिल्म की रिलीजिंग के बाद प्रिया गिल को खास तौर पर नोटिस किया गया। उनकी ब्यूटी और सिंपलिसिटी को देखते हुए कई और फिल्मों के ऑफर उनके पास आने शुरू हो गए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उनकी दूसरी फिल्म श्याम घनश्याम 1998 में 2 साल बाद आई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। साल 1999 प्रिया गिल के करियर के लिए काफी ज्यादा अहम साबित हुआ।
इसी साल उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसके लिए वो आज तक याद की जाती हैं। फिल्म सिर्फ तुम सिनेमाघरों में आते ही छा गई। फिल्म के गाने और प्रिया गिल की नेचुरल ब्यूटी ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए। इस फिल्म में संजय कपूर, जैकी श्रॉफ, सलमान खान और सुष्मिता सेन जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस भी शामिल थे। इन तमाम बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के होने के बावजूद भी प्रिया गिल की खूबसूरती और उनके अभिनय ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म में दीपक यानी कि संजय कपूर और आरती यानी कि प्रिया गिल की केमिस्ट्री लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। दोनों ही सितारे फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने में काफी ज्यादा कामयाब हुए थे। इस फिल्म का एक एक गाना सुपर हिट हुआ था। सुनने वाले रिपीट मोड में इस फिल्म के गाने सुना करते थे और इस फिल्म के बाद प्रिया गिल की तुलना खूबसूरत ऐश्वर्या राय से की जाने लगी थी। इस फिल्म से वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि बाकी हीरोइंस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। भले ही इसके बाद आई फिल्मों से वो उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म ने जो प्रसिद्धि दी वो काफी बड़ी थी। इस फिल्म के बाद उम्मीद की जा रही थी कि प्रिया गिल का करियर तेजी से छलांग लगाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बॉलीवुड की विडंबना देखिए, एक सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी प्रिया गिल को किसी बड़ी फिल्म कंपनी से कोई काम नहीं मिला। थोड़े अंतराल के बाद वो फिल्म बड़े दिलवाला में सुनील शेट्टी के साथ नजर जरूर आई। ये फिल्म भी ठीक ठाक ही चली, लेकिन प्रिया फिर से खाली ही बैठ गई। अब प्रिया गिल को ये समझ आने लगा था कि हिंदी सिनेमा को उनसे जो चाहिए वो नहीं दे सकती। ना तो उन्हें मन मुताबिक काम मिल रहा था और ना ही वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की उल्टी सीधी कहानियों को एक्सेप्ट कर रही थी। अब प्रिया गिल बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर रही थी। इसी बीच साल 1999 में उन्होंने एक मलयालम फिल्म मेघम में काम किया। इसी बीच साल 2000 में प्रिया गिल को एक बड़ी फिल्म जोश में काम मिला, जिसे मंसूर खान डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म में लीड रोल में थे शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय। शुरुआत में इस फिल्म में आमिर खान और रानी मुखर्जी भी थे, लेकिन आमिर खान शाहरुख खान वाला रोल चाहते थे, जिसके लिए मंसूर खान तैयार नहीं हुए और फिर आमिर खान ने ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद रानी मुखर्जी ने भी ये फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उस समय आमिर और रानी मुखर्जी के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां थीं। इसी के बाद इस फिल्म में चंद्रचूर सिंह को लिया गया। बड़े एक्टर्स के बीच प्रिया गिल ने अपनी एक अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई, लेकिन फिल्म हिट हो जाने के बावजूद भी उनके करियर में कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसी साल यानी साल 2000 में ही प्रिया तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार मोहन बाबू के साथ दो और फिल्मों में नजर आईं। 2001 में वो हिंदी फिल्म जीतेंगे हम में दिखीं। इसी के साथ तमिल फिल्म रेड, पंजाबी फिल्म GINO। प्रिया फिल्मों में काम तो कर रही थी, लेकिन अब वो लीड के बजाय साइड रोल में सिमट कर रह चुकी थी। उनके बेहतर काम और एक्टिंग के बावजूद भी फिल्में चल नहीं रही थी। एक फौजी परिवार में जन्मी प्रिया को जब बॉर्डर हिंदुस्तान का और LOC जैसी फिल्मों का ऑफर मिला तो उन्होंने बिना देर किए इन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया। पर अफसोस कि बड़े बैनर्स और बड़े एक्टर्स से सजी ये दोनों फिल्में भी नहीं चल सकी। इन नाकामियों के बाद हिंदी सिनेमा से प्रिया ने दूरी बनानी शुरू कर दी। इन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। हर जगह उनकी खूबसूरती और अभिनय की तारीफ होने के बावजूद भी उनके करियर का ग्राफ नीचे ही जाता रहा और आखिरकार कहीं से कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना आता देखकर साल 2006 में उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली। प्रिया ने भोजपुरी फिल्म पिया तोसे नैना लागे में भी काम किया, जो कि साल 2006 में रिलीज हुई। हालांकि भोजपुरी फिल्मों में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। साल 2006 में उनकी आखिरी फिल्म भैरवी रिलीज हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह से दूरी बना ली। अब बात करते हैं उन बड़ी वजहों की जिसकी वजह से प्रिया गिल का करियर नहीं चल सका। पहला कारण ये था कि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, उनका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था जो उन्हें आगे बढ़ा सके। दूसरी वजह ये थी कि उन्होंने उस गुट का हिस्सा बनने की कोशिश कभी नहीं की जो बॉलीवुड में लोगों का करियर बनाने और बिगाड़ने के लिए बदनाम है। और तीसरी वजह थी कि प्रिया बोल्ड सीन्स बिना मतलब के देखे और खुद को एक्सपोज करके इंडस्ट्री में काम पाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 2006 के बाद उनके पास अब कोई काम नहीं था। एक बार पहले ही अपने मंगेतर को खो देने के बाद अब वो अपनी निजी जिंदगी सेटल करने के बारे में सोच रही थी। उन्होंने सिनेमा के ग्लैमर और चकाचौंध भरी दुनिया को भुला देने का फैसला कर लिया और अब एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के बारे में सोचने लगी। 2007 के बाद प्रिया गिल कहाँ गायब हो गई, इसकी पक्की खबर किसी के पास नहीं। वो ना तो सोशल मीडिया पर थी और ना ही बॉलीवुड के लोगों के संपर्क में। फैंस उनके बारे में लगातार पता करते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शादी करके डेनमार्क में सेटल हो चुकी थीं। 2016 में उन्हें एक आर्मी के फंक्शन में देखा गया, जबकि एक बार उन्हें गुरुद्वारे में लंगर खिलाते हुए देखा गया और मीडिया ने ये अफवाह उड़ा दी कि प्रिया गिल तंग हाली में अपना जीवन बिता रही हैं।
उनके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, मीडिया ने उनका काफी ज्यादा मजाक भी बनाया। इस बात ने प्रिया गिल को काफी ज्यादा हर्ट किया, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी एक तस्वीर दुबई में घूमते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। साल 2017 में वो फ्रांस के एक हैंडबैग स्टोर में नजर आई थीं। उस शॉप के ओनर ने प्रिया को पहचान लिया और उनके साथ एक फोटो भी क्लिक की। इसके बाद साल 2022 में प्रिया गिल की एक और तस्वीर आई, जिसमें वो अपनी एक दोस्त के साथ नजर आईं। इस तस्वीर में बिना मेकअप के दिख रही प्रिया आज भी उतनी ही खूबसूरत दिख रही थी। इनकी दोस्त ने वो तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की थी। हिंदी सिनेमा में बहुत सी अभिनेत्रियां आईं और गईं, लेकिन प्रिया गिल के चाहने वाले आज भी बहुत हैं। आपको प्रिया गिल कैसी लगती हैं? उनकी कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।